हनुमान अब तक मेरे सत्य से आने भिज्ञ है, किंतु भावुक और सरल हृदय है हनुमान। मुझे अब उनके साथ और खेल नहीं खेलना चाहिए, मुझे उन्हें सत्य बताना ही होगा। अरे भ्राता बलराम, क्या हुआ आपको? इतना खास क्यों रहे? कहा था इतना शीघ्रता से मत खाइए आप भी, लगता है इनके गले में लड्डू फंस गया है। किसी वैद्य को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वैद्य पहले जल दे देता हूँ। अरे हनुमान, यदि इसी प्रकार करते रहेंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, शीघ्र कुछ कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपके प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा, आप धैर्य रखिए, मैं अभी आपके लिए कुछ तो करता हूँ। हनुमान जी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो मेरे लिए शीघ्र अतिशीघ्र वही संजीवनी जड़ी बूटी ले आइए जो आप मेरे लिए तब लेकर आए थे, जो मेघनाथ के बाण लगने से मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा था। मूर्छित हो रहा, मूर्छित हो रहा। हाँ हाँ, अभी लेके आता। स्मरण आया हनुमान? आप भूल सकते हैं किंतु मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपने मेरे प्राण बचाए हैं हनुमान। भ्राता लक्ष्मण, मैं उस घटना को कैसे भूल सकता हूं? तो आप अपने लक्ष्मण भैया के गले नहीं लगोगे हनुमान? भ्राता लक्ष्मण, आपको पूरे समय पता था ना, परंतु फिर भी आप अनभिज्ञ होने का ढोंग करते रहे। हमारे संबंध में तो सदैव हास परिहास, ये तीखी मीठी नोकझोंक चलती आई है। ये तो सत्य कहा आपने, वास्तविकता तो ये है कि हम दोनों ही प्रभु श्री राम के दास, उनकी सेवा में तत्पर और साथ साथ एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए भी सदैव तत्पर। सत्य वचन, दो माताओं से जन्मे आप दो भ्राता हैं, जिनका प्रेम सबसे भिन्न है। सत्य कहा आपने प्रभु, कैसे भ्राता लक्ष्मण, आपको आपकी ही रेखा में बंदी बना लिया मैंने, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अरे नहीं नहीं हनुमान जी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, अंततः ये अधिकार एकमात्र आप ही का तो है। चलो, अब लक्ष्मण जी को तो पहचान लिया आपने, अब शेष है तो केवल सीता में। माता को तो मैंने पहले ही पहचान लिया प्रभु, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है कि देवी राधा ही माता सीता है।